वो दिया है येलो रे। अब एक बार बोलो वापस चिल्ला करो बच्चों। सवार नहीं है भाई, गाना भी है। सुपर को एक फोटो कर दे तू। ठीक है, इसे मस्त अच्छा लगेगा। थोड़ा गाना गाना पीछे। हाँ भाई, और पीछे आओ। अरे रिफ्लेक्शन आ रहा है, इधर लेना थोड़ा। भाई इधर सर, इधर आ जाइए ना थोड़ा, इधर ये साइड में। और थोड़ा ऐसे इधर आ जाइए। सर सेंटर सेंटर लुक, सर यहाँ यहाँ। आदित्य भाई, आदित्य भाई सेंटर। भाई भाई कैमरा आदित्य भाई, आप यस राइट से राइट सेंटर में, सेंटर में। दोनों को भी करते रहे साथ में, आइए ना आकांक्षा जी। हाँ यहीं पे करते हैं आकांक्षा जी। आदित्य भाई क्या वो तो भी है। वेट लुक सेंटर, लुक सेंटर। इधर इधर आदित्य भाई, इधर यहाँ पे, यहाँ पे आदित्य भाई, लेफ्ट में, लेफ्ट में पहले। एक मिनट में, एक मिनट विदाउट ए सेंडी सेंटर। सेंडी तो आती रहेगी। अरे लाइट देना ठीक से। भाई आप, भाई आप, भाई आप एक बार। अरे भाई तो आदित्य भाई, एक बार इधर आइए, आइए मैडम आइए। क्या वो तो भी है, वेट सर। मैडम भैया ना, वेट भैया पांडे, पांडे But I have some fun pictures. Yeah. Ready, ready. Look center, look center. Aditya bhai. Once more. Nacho ke, to nacho ke. Aditya bhai, aap aage khade ho jao na. Aage aa. Ha. मैम, एक मिनट मैम, क्या मैम
अनुष्का मैम आदित्य भाई आप आ गया ना आ गया देना आदित्य भाई वो कर लो फिर मैं आगे कर दूंगा। हाँ आप कैसे आगे रहोगे दिखोगे दिख जाएंगे बस एक फोटो कर दे आदित्य भाई इधर इधर सेंटर सेंटर आदित्य भाई इधर सेंटर में आदित्य भाई यहाँ पे भी आप लोग कैसे करते हैं कैसे डांस करके एक बार वापस करें वन टू एंड थ्री आदित्य भाई इधर एक मैम मैम के साथ कौन से जी अनुष्का 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 मैम एक आया अच्छे के यह भी डिड आइए आइए ना उनका हो गया पापा ना यहाँ पे आगे ले लो आगे मैम एक बार आगे आ जाइए ना दोनों दोनों आगे आ जाइए ना आप लोग आगे बढ़ो ना दिखेंगे नहीं हाँ ब्लॉक मत करना आदित्य भाई थोड़ा आगे हाँ बस बराबर बेटा आप अभी साइड से आगे आ जाओ यस बस लुक सेंटर जाओ सर यो मैडम मैडम सर बहुत ऑफ यू या आदित्य भाई यस चलो बस बैठ कर चलो 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 तो चलो ग्राफिक ये एंड में पता चलेगा अभी टाइम है इन फुकरों के इंट्रो का इसलिए बेटर है कि देख ही लो साहेब दिन भर एप्पल पे बैठा बैठा काम मत किया कर कभी कभी एप्पल खा भी लिया कर ये साइबर प्राणी बड़ी आईटी कंपनी का छोटा सा नौकर है पता नहीं क्या सोच के माँ बाप ने नाम साहेब रख दिया नो भांगड़ा नो दारू नो गुस्सा कलंक है बेसिकली पंजाबियों के नाम पे सही की कर रहे हैं यार की कर रहा हूँ कोई पंजाबी तो हमेशा दूसरे की मदद कर दें भरावा बात तो सही है तुम लोग रोज अपने पंजाबी भाई को बुली करते हो यार आज चिल करूंगा पर जैसे मुझे मालूम पड़ा कि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं मैं भी उठ के आ गया मैंने कहा इनके साथ ही फिल्म देखूंगा अभी फिल्म जो शुरू हुई है मैं वापस भागूंगा अंदर उनके साथ बैठी मैं फिल्म देखूंगा बहुत ज़्यादा मतलब एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बहुत टाइम के बाद जैसे बच्चों की कोई फिल्म बनी है और अगर बच्चे आके देख रहे हैं तो उससे मतलब हम जीत गए हमारी विक्ट्री है उसमें कि बच्चे आके देख रहे हैं और मैं मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ बैठ के देखने का ये बहुत खुशी की बात है हमने जब अपनी फिल्म बनाना शुरू किया था उससे पैंडमिक के पहले जस्ट हमने शुरू करने वाले थे लॉकडाउन हो गया तो हमारी जर्नी तब से शुरू है तो उसको ढाई तीन साल हो चुके हैं और जब फाइनली आज ये दिन आ गया है और बच्चे आए हैं
देखने के लिए. तो कभी जब 3 साल पहले सोचा भी नहीं था कि शायद ये मौका देखने को मिले, क्योंकि लॉकडाउन हो गया. मुझे कई बार लगा कि शायद फिल्म रुक ना जाए, कुछ हो ना जाए, बट फाइनली ये दिन आ गया और आई कांट स्टॉप स्माइलिंग. अनएक्सपेक्टेड इतना प्यार मिल रहा है, लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, तो मैं बस बहुत खुश हूँ. मुझे पता नहीं मैं जवाब क्या दूँ इस चीज़ का, बट आई एम जस्ट वेरी हैप्पी. एंड अंदर भी आप बच्चों की शक्ल भी देखेंगे तो वो लोग हंस रहे हैं एंड दे आर स्माइलिंग. सो दैट्स इट, दैट्स अ विक्ट्री देयर. सो आदित्य, मूवी का जॉनर काफ़ी हॉरर कॉमेडी काइंड ऑफ है, सो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप मूवी के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में? इट्स एक्चुअली अ फन फिल्म. हॉरर कॉमेडी एंड डांस इज मिक्सड इन दिस, एंड एक और इमोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म. तो फिल्म जो है एक रोलर कोस्टर राइड है, कभी उनको हंसाएगी, कभी रुलाएगी, बट एट द एंड ऑफ इट आप बहुत खुश होकर बाहर निकलेंगे. एंड इट्स जस्ट अ फिल्म फॉर द एंटायर फैमिली. बच्चे बहुत खुश होंगे एंड बिकॉज इट्स चिल्ड्रंस डे ऑल्सो, सो आई डोंट थिंक पेरेंट्स के लिए एक बेटर गिफ्ट होगा ही अपने बच्चों को देने के लिए देन कमिंग फॉर दिस फिल्म. सो कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके? सो देयर इज दिस फिल्म व्हिच इज कॉल्ड अमर प्रेम, व्हिच शुड बी आउट सम टाइम बिटवीन फेब एंड एप्रिल. वी डोंट हैव अ डेट येट, बट बिटवीन फेब एंड एप्रिल इज व्हेन इट शुड बी. जी थोड़ा जोर से बोलो. नहीं, डेफिनेटली बननी चाहिए. आपने पहले भी देखा होगा, आप राजू चाचा देख लो, एक मकड़ी बनी थी बीच में, फिर चिल्लर पार्टी बनी है, छोटा चेतन बनी है, राजू चाचा बनी, मतलब द लिस्ट इज भूतनाथ, द लिस्ट इज एंडलेस, तारे ज़मीन पर. और हर एक फिल्म ऐसी है जो अपना छाप छोड़ के गई है. एंड अगर बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो आप द फिल्म हैज़ मेड मनी, बट इट्स लेफ्ट अ मार्क ऑन एवरीबॉडी. एंड आई थिंक प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स इस जॉनर पे थोड़ा और फोकस करना चाहिए. जैसे भी कोई भी आप फिल्म भी देख लेंगे, सुपर हीरो फिल्म भी होती है, तो सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं उसके लिए. सो इट्स अ वेरी बिग मार्केट. फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं वो डरते हैं डेफिनेटली, जो ऑडियंस देख रही है उन्हें वो उसमें मज़ा आएगा, बिकॉज इट्स अ कॉमेडी काइंड ऑफ हॉरर, इट्स अ एंटरटेनिंग हॉरर. वो ऐसा भूत वाला हॉरर नहीं है कि बच्चे डर जाएं. हमने बच्चों को जहन में रख के फिल्म बनाई थी. हाँ हाँ सब काफ़ी कुछ डांस, आप देखोगे तो पता चलेगा, आप देखोगे भी जाके. सिल्वर लाइनिंग ऑल्सो फॉर अस इज द फैक्ट दैट आफ्टर 2 years ऑफ लॉकडाउन children at the time then where they should be socializing, making new friends, going to school, it's a very important age for them to grow up, but they were sitting at home doing nothing. Online schooling is not as same as being around a teacher, being with your friends over there. So this is like a silver lining ki abhi cheeze khuli hain and finally the kids have something to watch and engage, and because it's children's day also I think it's a fabulous time to just come out with their friends, come out with their family and just watch the film. Thank you bas thank you ma'am pehle chaliye pandit ji aaiye aap pehle aaj roki gayi hai release ho gayi hai aur हम ऐसे टाइम पे जहाँ पर बॉलीवुड की फिल्में लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रही या लोग सिनेमा में नहीं जा रहे देखने, हमारा बस ये है कि लोग आए देखें और उनको ये फिल्म अच्छी लगे. ये एक बहुत अलग जॉनर है जहाँ बच्चों के ऊपर फिल्म है, हॉरर कॉमेडी डांस, जो आज तक आई डोंट थिंक इंडिया में इतना हुआ है. काफ़ी लोगों ने बोला हमको राजू चाचा वाली फीलिंग आ रही है, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था क्योंकि वो हमारे बचपन में इतनी बड़ी फिल्म थी, हमको इतना मज़ा आया था देख के. तो आई होप कि आज के जनरेशन के बच्चों को ये फिल्म देख के उतना ही मज़ा आए. खास करके बच्चे ज़्यादा प्यार
आई थिंक अगर बच्चे प्यार कर रहे हैं तो वी हैव डन इट. लाइक ये हमारा टारगेट ऑडियंस था कि बच्चे आए, बच्चों को पसंद आए, वो अपने मॉम्स को खींच के लाए, वो अपने दोस्तों को खींच के लाए. तो ये उनके लिए लिटरली डेडिकेटेड फिल्म है. ये उनके पेरेंट्स के लिए भी नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए. चिल्ड्रंस डे आने वाला है और साथ ही आपका ये जो स्क्रीनिंग का मोमेंट सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए रखा है, कितना अहमियत रखता है ये? बहुत अहमियत रखता है. हमें पता चला है कि 1800 बच्चों के स्कूल्स ने टिकट्स बुक की हैं बल्क में और वो लोग सब आ रहे हैं. ऑन चिल्ड्रंस डे से 400 और बच्चे आ रहे हो, वो तो वीकेंड इतने बच्चे आए हैं. सो आई थिंक हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है ये कि स्कूल्स हम में फेथ रख के अपने बच्चों को यहाँ लेके आ रहे हैं. एंड दीज आर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, जो काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे कभी सिनेमा में गए नहीं आज तक. तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि उन्होंने हमारी फिल्म चूज़ की है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. सो क्या आपने मूवी देखी, आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? मैंने तो दो बार देख ली अभी फिल्म. एंड इतना ही बोलना चाहूँगी कि यू नो इट्स अ फील गुड फिल्म. और काफ़ी फादर्स फिल्म से निकले रोते हुए, जो आके बाहर निकल के हमको बोल रहे आई वॉज क्राइंग, क्योंकि उनको इतना इमोशनल लगा. ये ज़्यादा एंगल जो फिल्म का था वो बच्चों और मॉम्स पे डेडिकेटेड था, बट द फैक्ट के फादर्स इमोशनल हुए हैं, दैट मीन्स अ लॉट कि वी टच द कॉर्ड, वी मेड द मेन क्राई. आई लव आदित्यस कैरेक्टर, इट वॉज वेरी क्यूट, इट वॉज वेरी बचपना. एंड वो सेट पे भी बच्चों के साथ यही मस्ती करता था. आई सेड यू नीड टू रियलाइज, तुम उनसे 20 साल बड़े हो, तुम उनके जैसे नहीं बिहेव कर सकते. बट आई एम ग्लैड कि पूरे फिल्म के सेट का माहौल ऐसा था कि सब बच्चे बन गए, यू नो. तो वॉट एवर द आउटकम इज, आई थिंक एवरी वन वॉज हैप्पी, एवरी वन वॉज पॉजिटिव, सबको मज़ा आया है फिल्म बनाते हुए. गाने बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, और 5 नए बच्चे आए हैं इसमें जो अपना डांस दिखा रहे हैं. एंड अनबिलीवेबल टैलेंट इस कंट्री में, सो दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी. कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट देखने मिलेंगे हमें आगे आपके? ही वॉज होपिंग कि हमारा जो वेब शो था उसका वो रिन्यू हो जाए, वो एक है. एंड राइट नाउ नथिंग दैट आई कैन टॉक अबाउट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.